ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਹੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਹੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। नई दिल्ली के आईटीओ स्थित दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के मुख्यालय पर 400 केवी सब स्टेशन बामनोली ग्रिड पर 9 जुलाई को हुई दुर्घटना में जिम्मेवार अफसरों को बचाने के लिए कामगार ग्रिड ऑपरेशन स्टाफ के 2 कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाकर सस्पेंड किए जाने के विरोध में सब स्टेशन टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन के महामंत्री योगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में वह प्रधान संजय शर्मा व उप प्रधान नवीन दबास से दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के कर्मचारियों ने दिल्ली ट्रांसको के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस वक्त मैं आईटीओ दिल्ली के आईटीओ में जहाँ पर ट्रांसको के यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आइए जानते हैं क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर आप। हमारे जो है ये दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड जो कंपनी है, हमारे 2 कर्मचारियों को जिनका की कोई दोष नहीं था और उनको विषम परिस्थिति में काम करा जा रहा है, कोरोना काल में उनकी डेथ भी हो रही है, मर भी रहे हैं, उसके बावजूद भी इतनी मेहनत से काम करने के बावजूद भी हमारे जो 2 साथी हैं, एक भूपिंदर और एक जगराम, इन दोनों को जो है डीटीएल प्रशासन ने, जो कि दोनों के दोनों बिल्कुल निर्दोष हैं, इन दोनों को सस्पेंड किया है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसका सारे कर्मचारियों में दिल्ली ट्रांसको में जो है रोष है, इसलिए हम सारे यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये डीटीएल का मुख्यालय को आए हुए हैं यहाँ। क्या मांगे, क्या क्यों आप धरना प्रदर्शन? हम धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं कि हमारे जिन 2 साथियों को जिनको सस्पेंड किया गया है, वो बिल्कुल गलत किया गया है। सस्पेंड करने से पहले अगर उन्होंने कोई गलती की है तो पहले उनको एक नोटिस मिलना चाहिए था, उसकी जांच होनी चाहिए थी। ये एकदम बिल्कुल तानाशाही आदेश है, इसको एकदम वापस लेना चाहिए। वजह क्या है, वजह क्या बताइए? वजह बताइए कि भाई यहाँ पे स्टाफ बहुत कम है, एक एक आदमी से ड्यूटी कराई जाती है और वो मानसिक रूप से सारे प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है यहाँ पे, और उसके 24 घंटे ड्यूटी कराई जाती है उनसे, और छोटी मोटी अगर कोई गलती हो जाती है उनसे या कोई किस तरह की, तो उनको सीधा सस्पेंड कर दिया जाता है। उनके साथ मतलब भेदभाव किया जा रहा है। जो जिम्मेदार अफसर हैं उनके कान पे कोई जूनी रह गई, और ये लगभग 10 सालों से चला रहा है, 10 सालों से शोषण हो रहा है कर्मचारियों का, और दिल्ली का जो ट्रांसको का जो प्रशासन है उनको जो है वो इस पर कोई कार्रवाई करने को अभी तक मांग क्या आपकी क्या मांग हमारी यही है कि हमारे दोनों साथी जिनको सस्पेंड किया गया है उनका जितना जल्दी हो उनको जल्दी जल्दी में बहाल किया जाए और उन्हें ड्यूटी पे लिया जाए, और यही हमारा यहाँ पे मंत्री जी कोई वो आपने दिया संदेश दिया कुछ? अभी हम दिल्ली सरकार के जो हमारे ऊर्जा मंत्री सत्यन जैन जी, उनको हम ज्ञापन देकर आए हैं, ये हमारा ज्ञापन है कि भाई हमारे साथियों को जो है जिनको सस्पेंड किया गया उनको जल्दी से जल्दी को बहाली की जाए, उनसे गलत किया गया। क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी जांच कराते हैं और आप जो है निश्चिंत रहें, आपको जो है न्याय मिलेगा। आइए जानते हैं कुछ और लोग भी है हमारे साथ क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे हम रात की ड्यूटी करके आए हैं, हमारे 2 साथी हैं भूपेंद्र सिंह कुमार और जगराम, इन दोनों को सस्पेंड किया गया है। एक आदमी से जो है नौकरी करवा रहे हैं, तो इलीगल है, इल्लीगल होते हुए एक एक आदमी, जबकि यार्ड के अंदर जब आदमी जानता है तो 2 आदमी सबसे जरूरी है, हमारे टेक्निकल के काम में जो है 2 आदमी बहुत जरूरी है, और वहाँ एक एक आदमी से नौकरी करवाई जा रही है। स्टाफ इतना शॉर्ट है, स्टाफ भर्ती नहीं हो रहा, और उसकी वजह से गलती छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं एक आदमी की वजह से, ड्यूटी करेगा तो, और 24 घंटे में जो है ड्यूटी कर रहे हैं, बिल्कुल जो है मेंटली जो है हरासमेंट हो रही है सारे कर्मचारियों की, और इसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, इस वजह थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है, लेकिन उसको इग्नोर करके जो इनको इतनी जल्दी सस्पेंड नहीं करना चाहिए इनको। देसू सब स्टेशन टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन के कर्मचारियों का कहना है कि दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के 22 से 45 ग्रेड हो गए हैं और कर्मचारी आधे हो गए हैं, जिसमें कर्मचारियों को 24 घंटे विद्युत वितरण का कार्य हाई वोल्टेज पे करना पड़ता है, इसलिए कर्मचारियों की जिंदगी का जोखिम और सब स्टेशन में करोड़ों रुपए के नुकसान की संभावना बनी रहती है। क्या मांगे आपकी, क्यों आप धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन का हमारा जो उद्देश्य है, हमारे जो 2 साथियों के साथ अन्याय हुआ है, मगर मैं आपको विस्तार से बताऊं तो दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड हमारी ट्रांसमिशन की व्यवस्था को संभालते दिल्ली में, जो पूरी दिल्ली की व्यवस्था को हम जैसे हमें डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम सप्लाई देते हैं, तो ट्रांसमिशन की जिम्मेवारी सारी की सारी हम लोगों के ऊपर होती है, जिसमें ऑपरेशन और मेंटेनेंस का स्टाफ 24 आवर्स शिफ्टिंग के अंदर ड्यूटी करता है, मगर हमारे प्रशासन का जो रवैया है वो इतना नकारात्मक है, इनको बार बार हमने खूब इनको चेताया कि हमारे यहाँ जो मैन पावर है वो रिटायरीज भी हो रहे हैं और कुछ हमारे साथियों की मृत्यु भी हो गई है काल मृत्यु कोरोना के टाइम में, उसके बावजूद ना तो कोई स्टाफ की भर्ती हो रही है,
उसके एवज में इन्होंने कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को लगाया था, जिसका 4-5 महीने पहले कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो गया। उसकी वजह से काफ़ी परेशर में हमारे लोग आ गए हैं, और उसके बाद इन्होंने कुछ तानाशाही रवैया ये अपनाया कि हम लोगों को अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ती है तो उसके एवज में हम लोगों को कुछ मेहनताना दिया जाता था, मगर वो मेहनताना भी इन्होंने किसी कारणवश राजनीति करके हम लोगों का मेहनताना इन्होंने छीन लिया हमसे। तो उसमें 25 रुपये हॉलीडे वाले दिन और 15 रुपये 61 पैसे पर हावर्स के हिसाब से दे रहे हैं, जो कि कहीं पे भी दिल्ली सरकार की मिनिमम वेज को पूरा नहीं करते। गवर्नमेंट अप्लाई है, ये सब पूर्ण रूप से दिल्ली गवर्नमेंट का उपक्रम है और इसमें दिल्ली सरकार की सारी 100% भागीदारी है। हमने समय समय पर दिल्ली सरकार से भी संपर्क किया है और वहाँ से जो है कुछ डायरेक्शंस भी दी हैं, मगर उन मंत्री जी की डायरेक्शंस के ऊपर भी इन लोगों ने आज तक कोई सकारात्मक रूप नहीं दिखाया, जिसकी वजह से आज ये इतनी बड़ी घटना हुई है। और आप सब देख रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में जो ये साथी हमारे आए हैं, हम डीटीएल प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमारे इन साथियों के खिलाफ अगर जो ये इन्होंने षड्यंत्र रच के और इनको सस्पेंड कर दिया गया, अगर इनकी तुरंत बहाली नहीं हुई हो तो हम पूरी दिल्ली की बिजली व्यवस्था को बंद करने पर भी विचार कर सकते हैं। इस बात को डीटीएल प्रशासन कान खोल के सुन ले, कल को हमारी बात को हल्के में ना ले। अगर ये हल्के में अगर लेकर रहेंगे तो इनको ये दृश्य सामने और दिल्ली की जनता को ये भुगतना पड़ेगा। लिमिटेड के कर्मचारी हैं, इन्होंने कहा कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये आगे पूरी दिल्ली में बिजली का बंद करने का भी काम करेंगे, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए ये चाहते हैं कि इनको जो सस्पेंड किया गया है उनको तुरंत बहाली किया जाए और उन पर जाँच की जाए। कैमरा मैन हिमांशु के साथ मैं देख दूँ।